अति प्रसन्नता का विषय है कि श्री अरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर द्वारा दिनांक 26/11/2021 को आयोजित 13वें अंतर्राष्ट्रीय ISRPT सम्मेलन में COVID-19 जैसे प्रासंगिक विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उक्त सेमिनार में मुझे भी आमंत्रित किया गया था, परंतु मैं अपरिहार्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से और विशेषकर संस्था से क्षमा याचना करता हूँ। कोविड महामारी का सामना करने में हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि ने फ्रंट लाइन योद्धा के तौर पर निरंतर परिश्रम किया एवं इस विषय और विषम परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह किए बिना वे अपने कर्तव्य पर डटे रहे। इस महामारी के दौर में इंदौर की श्री अरविंदो संस्था ने आगे आकर मानव जाति के प्राणों की रक्षा के लिए संपूर्ण सुविधाएं कोरोना मरीजों के लिए निसंकोच उपलब्ध कराई। संस्था का इस प्रकार का मानवीय कृत्य अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं इन सब कामों की प्रशंसा करता हूँ। श्री अरविंदो संस्था हमेशा से ही अत्याधुनिक चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे रही है। मध्य भारत में पोस्ट डॉक्टोरल कोर्स जैसे DM, MCH, अनेक प्रकार के फेलोशिप प्रोग्राम इत्यादि शुरू करने का गौरव भी श्री अरविंदो संस्था को जाता है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता, संस्थान और इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूँ कि अरविंदो संस्था अनवरत इसी तरह समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करती रहेगी। मैं इस अवसर पर फिर से ये आग्रह करते हुए कहना चाहता हूँ कि मुझे विनोद भंडारी जी ने और इनकी संस्था ने पत्र लिख कर के भी आमंत्रित किया था, साथ ही साथ मेरी पोती जो इस इंस्टीट्यूशन में MBBS प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है उसने भी आग्रह किया था, पर मैं इन आग्रह को अपरिहार्य कारणों से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सादर धन्यवाद। जय हिंद।